कामाख्या देवालय में अब हमारे 5 दिन और 5 रातें गुजर चुकी थी। अचानक हमें एक अघोरी तांत्रिक का पता चला, जिनसे शायद मिलना ही दुर्लभ था। आप भी मिलिए। बाबा कहते हैं कि हर कोई माँ के किसी एक रूप को सिद्ध करता है। हाँ, ये कहाँ तक सच्चाई है, और अगर ये ऐसा है तो आपने किसको सिद्ध किया? एक तो सबसे पहला आया है पति, आलीढ पदा जस्य प्रत्यालीढ़ा छने छने अनंत रूपनी श्यामा को वक्तुं शक्यते प्रिय। एक श्यामा अनेक रूप में है। स्वयं कामाख्या जो है काली है, कोई दुर्गा कह रहे हैं, कोई जिसका जो भाव है वो उस भाव में देख रहे हैं। हम लोग भक्त हैं, हम लोगों का उपासना होता है, साधना नहीं, कोई चीज़ से सिद्धि करना नहीं है, सिर्फ आपके चरण में रहें। तो ये तो बाबा बहुत बड़ा भाव है, सात्विक भाव। हाँ, लेकिन वो तामसिक देवी भी है, तो तामसिक साधक भी है, तो बहुत सारे लोग ऐसी विचित्र कामना के साथ यहाँ आते हैं, इसको सुन के ही डर लगता है। ये जो जहाँ तक यहाँ साधक आते हैं, हर तरह के साधक यहाँ आते हैं, वैष्णव से लेकर के सौर गणपति, हर विभाग के साधक यहाँ रहते हैं। इस साधना के अंदर में सबका लक्ष्य अपना अपना अलग हो जाता है। 10 महाविद्या स्वरूपा देखू माँ को ना रही छी, देखू माँ दुखरा हमर सब कष्ट हरू करुणा करी छी। मेरा ये भाव है। अच्छा बाबा, यहाँ कहा जाता है 10 महाविद्याएं, 9 महाविद्याएं यहाँ हैं, 10 महाविद्या है यहाँ, लेकिन उसका पता नहीं चला, इसलिए तारा का यहाँ मूर्ति रखा गया, अन्य सब जगह जल का पूजा होता है। पते नहीं चला, शंकराचार्य ने पता लगाए, तो फिर उसके बाद कौन ऐसे ऋषि हुए हैं जो पता लगाएंगे? वो लोग जो पैदल भ्रमण करके हिंदुस्तान को अपना जस प्रतिष्ठा और मान दिए, जो साधक के लिए इतना अमूल्य अमूल्य चीज छोड़ करके गए, आज तो वो है नहीं, आज तो है इन चीज निकालो, आए देखियो खून गिरने लगा, सुई मुँह से निकल गए, इसकी साधनाएँ हैं। तो ये साधना नहीं है, ये प्रेत जीवन है। कामाख्या पीठ है, महापीठ है, और इस महापीठ में योनि रूपा भगवती नीलांचल पर्वत है। नरकासुर बहुत अत्याचारी हुआ और इंद्र जो था जबरदस्ती राजस्वला कोई करके उसके साथ संभोग किए थे, उससे नरकासुर का जन्म हुआ। तो वही असुर वाला प्रवृत्ति था उनमें, तो उनको एक रोज ले गई पकड़ के, चलो जाकर के राजा को पूछे कि हे इंद्र, आप तो बहुत बड़ा तारीफ की उस समय, लेकिन आज इस बच्चे का क्या होगा, ये जो इतना राक्षस प्रवृत्ति निकला, इसका हर प्रवृत्ति गड़बड़ है, इसके लिए क्या हो? बोला देखो बेटा राजा का है, तो जाओ इसको हम प्राग ज्योतिषपुर का राज दे देते हैं। ये गुवाहाटी जो है, ये प्राग ज्योतिषपुर नाम से पहले विख्यात था, इसके बाद तो यहाँ उपद्रव होने लगा, नवग्रह आश्रम टूटा, बहुत सारी चीज टूट गया। यहाँ योनि रूपा भगवती है, राजस्वला महातेजा कामाखी धायते सदा है, राजस्वला का यही अवस्था है जिसमें हर साधक यहाँ आते हैं। तो ये दो तरह का पीठ है, ये योनि पीठ है और एक बिंदु पीठ है, जिसको आप लोग विंध्याचल कहते हैं, बिंदु क्षेत्र से विंध्याचल हुआ है। वहाँ है अश्वत्थ नंदी पुरस्त कुर्मा कारंग जाशिला चतुर्हस्त प्रवाणेन भगलिंग समन्वितम, वहाँ लिंग लगा हुआ योनि पीठ है। पुराण के मुताबिक विंध्याचल के बारे में कहा जाता है कि वहाँ के दर्शन से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। हर योनि से, योनि जो है यह गति और अगति दोनों की ओर ढल रहा है। आज जो साधक है वो इसी में ढल करके कहीं जेल में सड़ रहे हैं, कहीं कहीं पड़े हैं, तो गति देने वाली, मुक्ति देने वाली, हर चीज देने वाली है, लेकिन आपको बंदूक राइफिल लाइसेंस करके मिल गया गवर्नमेंट से, आप उससे डकैती कर रहे हैं, तो ये आपके लिए खुशी है। डकैत बनने के लिए आप लाइसेंस नहीं लिए थे, आप अपने सुरक्षा के लिए लिए थे, और उसका कदम आगे बढ़ते गया। तो ये जो कहानी है इस तरह का यहाँ है, काम रूप कृतावासा, काम पीठ विलासिनी, कामनी कल्पलता, कामनी विभूषणा, कामनी गुणाराध्या कुमलांगी कृषोदरी, कारणा अमृत संतोषा, कारणानंद सिद्धिदा,
कारणार्थ जापिष्टा कारणार्थ हर्षता कारणार नभस मग्ना कारणा व्रतपालनी कस्तूरी सुरभा मोदा कस्तूरी त्रिकोज्वला कस्तूरी कुजनता कस्तूरी कुज क्रिया कामरूप कृतावासा कामपीठ विलासिनी कामनी कल्पलता कामनी विभूषणा कामनी गुणाराध्या कोमलांगी कृषोदरी। तो ये जो यहाँ का तथ्य है, इस तथ्य में बहुत चीज है। योग से छिपा हुआ तथ्य है, तंत्र से छिपा हुआ तथ्य है, लेकिन इसको सामान्य लोग अपने ढंग में ले रहे हैं, जिसका शास्त्रीकल कोई प्रमाण नहीं आता है। अपना प्रमाण है, हमको 5 गिलास पीना है पी देंगे। पीने शब्द का अर्थ कुछ और है। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा जावत पतिता भूतले उत्थाय च पुनः पित्वा पुनर्जन्म न बीते। तो ये धारणा जब आपकी हो जाए, जब आपका मातृका में चला जाएगा शरीर, तो आप कहीं हैं, मंत्र आपका चालू रहेगा। तो उस अवस्था में आप नशा में हैं तो भी आपका मंत्र चालू है, लेकिन ये चलाने के लिए लोग सिर्फ भूतले का आश्रय ले रहे हैं, मातृका पर तो आए नहीं है, मातृका कमांड नहीं है। तो जब तक मातृका नहीं होगा, तब तक ये काम होना बड़ा कठिन है। इसलिए शास्त्रीकल चीज जो है यहाँ ज्यादा करके यूजफुल है, लेकिन लोग यहाँ आते हैं क्षमा के साथ। लेकिन गुरु की ही कही हुई बात है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अपने उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा में कि सत्य के लिए किसी से न डर, गुरु से भी। उसी बात को याद करते हुए मैं जानना चाहूँगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों संतानें हैं, ब्रह्म की संतान है कि माया की संतान है, किसकी संतान है ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं? जब माया में माँ फंसी तबे न इसका उत्पत्ति हुआ कि सृष्टि कैसे हो, सृष्टि होना माया है। तो पैदा करते गई और मारते गई, शिव देखा कि यहाँ राख का ढेर पड़ा हुआ, पूछा माँ ये क्या है, तो बताई कि ऐसे ऐसे तुमसे पहले भी हम किए, वो हमसे सब तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो उसको हम त्रिनेत्र से जला दिए। बोला ओ, इनका सलाह तो ऊपर में है, पहले बिजली लगाने के बहाने हम इनसे सलाह ले लें। बोला माँ हमसे अगर कोई बात करना है तो पहले वो आँख हमको दे दो। तो जस्या प्रसाद मातरेन त्रिपुरा रिहंग शिवे, तब उसी समय शक्ति जो है शिव को दिया है त्रिनेत्र। जब शिव को ही आ गया तो ये तो समझ गया कि अब सृष्टि कायम रहेगा। बोला माँ एक प्रार्थना और, तुम इस रूप को बदल लो, जिस रूप को मैंने माँ कहा है उस रूप से मैं संभोग नहीं कर सकती। तो वहाँ 3 रूप हुआ, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, और सृष्टि का काम जारी हुआ, सृष्टि चल रहा है आज भी। तो बाणभट्ट को पढ़िए या किसी को पढ़िए, पढ़ना उसके सूक्ष्मता को है, उनका भाव कहने का क्या है, जो किताब नहीं लिखता है। आपने जो किया है वही आप बताइएगा कि इस रास्ते से हम चले, ऐसा हुआ। तो ये कल का है, इनको समझ में आएगा कि रास्ता ऐसे दुरु है, ऐसे कठिन है, ऐसे ही। लेकिन वो बात तो है ना, आज तो किताब छापने का बीमारी है, 4 किताब से चुराए, 1 किताब बन गया। तो यह भटका होगा जिस साधक के हाथ में जाएगा, हाथ आपका है, पैर उनका है, मुड़ी उनका है, धड़ उनका है, तो ये आदमी कैसा होगा? बाबा आप तो तत्वज्ञानी हैं, 10वीं विद्या कहाँ है आपके, आपकी समझ के आपका शोध क्या कहे? 10वीं विद्या उसी जगह है, लेकिन उसका पता नहीं चला, जल का पता उस समय नहीं चला। तो 9 विद्या यहाँ रहा, जल का पूजा होता है, 1 में वही तारा का मूर्ति दिया गया। तीन तो माई के नजदीक चले जाइए, अच्छा 3 माई के नजदीक, तो 7 और 3 हो गया, 10 हो गया ना। तो यही 10 महाविद्या है। तो 10 महाविद्या में 9 महाविद्या का यहाँ पता चला, 1 महाविद्या आज तक गोपनीय है, ना आज उस तरह के लोग हैं जो इसको खोज सकें। आज यह तंत्र भारत से विदेश जा रहा है, विदेश आता है, विदेश ले जाता है, लेकिन भारत अब इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा बाबा, यहाँ पे लौकिक अलौकिक दोनों तरह के संसार माना गया है। हाँ, और
बात है कि हर किसी के बस का नहीं है कि अलौकिक संसार देख सके। नहीं तो लेकिन ऐसा पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, ये ऊर्जा का केंद्र ऐसा हाँ। जो लगता है हाँ। माँ भारत का हृदय त्रिकोण है, कन्याकुमारी, कामाख्या और विंध्याचल, ये तीनों भारत का हृदय त्रिकोण है। और उससे भी डीप त्रिकोण में जाइएगा तो विंध्याचल का तीन पार्ट हो गया। और कोई शक्ति में यहाँ से कम है, बात नहीं कि कामाख्या महान शक्ति है तो विंध्याचल कम शक्ति, नहीं, आप धारणा बना करके बोल रहे हैं। ये एक क्षेत्र है, वो दोनों क्षेत्र है। भगलिंगा मृताकार भगलिंग स्वरूप निम, आपका स्वरूप क्या है? आप भगलिंग से अवतार लिए हैं, मनुष्य बने हैं, पशु बनेगा, चींटी बनेगा, लेकिन संबंध तो उसी से होगा। एक हिंदुस्तान है जहां पुरुष और स्त्री से संतान पैदा हो, इसका कोई जरूरी नहीं। स्वयं राजा दशरथ खीर खा करके बच्चा पैदा हुआ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तो यहाँ इतना आयुर्वेद में भी पहुंच है कि लोग जान रहे हैं कि इससे भी पैदा हो सकता है। आज विज्ञान जहाँ है उससे यहाँ का विज्ञान बहुत डेवलप है। नहीं लेकिन हमारे यहाँ ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य या बाकी जो साहित्य है उनमें अलग अलग मत है। मत अलग नहीं है, जैन तंत्र है, जैन तंत्र का अलग रूप है, लेकिन है इसी का रूप। जब उसको खूब गौर से देखिएगा, जैसे हम लोग वशीकरण करते हैं, उसमें वशीकरण काजल है, आँख का जो काजल बनता है उसी को बनाना है, वही वशीकरण करेगा आप लगा करके जाइए, तो जैन तंत्र है। पद्मावती का उसमें विशेष करके प्रधानता आया है, पद्मावती तंत्र का, तो पद्मावती यहाँ का भी हेड है, हम लोगों में नहीं है वो बात नहीं है। ये दस महाविद्या जो है, इसको जैसे आपके घर का बिजली को आप कहते हैं कि मेरा बिजली है, वैसे यदि सब घर का बिजली को जोड़िए और कट जाए हेड ऑफिस से, तो कोई बिजली किसी का नहीं है, बिजली हेड ऑफिस का है। तो हेड ऑफिस वक्त वक्त पर सृष्टि की सामान्यता को स्थिर रखने के लिए अनेक रूप में आई। अब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सप्तती कह रहा है कि लोग ऋषि हैं, ब्रह्मा ऋषि, विष्णु ऋषि, शिव ऋषि। अब जिसको हम भगवान मानते हैं उसको माँ स्वयं अपने पुस्तक में कह रही कि ऋषि है, भगवान नहीं है। और पढ़ियो रहे हैं हम उसी के बात को, और ऋषित्व जो प्राप्त किए तो बगैर शक्ति से नहीं किए, गए एक बार शक्ति के साम्राज्य को देखने के लिए, तो बगैर पूछे ब्रह्मा डूब गए, वो भी वो नारी हो गए, विष्णु भी वैसे चले गए, वही नारी हो गए, तब शिव का पारी आया। शिव जाकर के देखने लगा कि दोनों गया तो गया, कहाँ देखाओ, बिना आज्ञा का ही गया, तब आज्ञा लिए कि माँ अगर कहिए तुम आपके राज को देखें, बोला हाँ देख सकते हो, चारों बगल ऐसे ऐसे करें, कहीं मिलवे न करे, न ब्रह्मा है न विष्णु, तो नारी बन के। तब बोले कि माँ ऐसे ऐसे दो आदमी मेरा आया था, वही दोनों है, इसका रूप बनाइए। फिर उसका और रूप आया, बोला माँ अब हम लोगों को विदा कीजिए, कहा कि सृष्टि का बहुत काम हम लोगों के हाथ में पड़ा हुआ है। बोला बेटा जिस समय तुम वहाँ छोड़े ना उसी समय तीन ठो ब्रह्मा विष्णु महेश बना करके वहाँ भेज दिया गया, तुम जाओ या मेरे यहाँ रहो, इससे कोई अंतर नहीं होगा। मेरे यहाँ हजारों ब्रह्मा हैं, हजारों विष्णु हैं, हजारों सब कुछ है। तो जब ज्ञान होगा, धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान न मोक्ष पद वेद बखाना, जब ज्ञान हो जाएगा तभी न मोक्ष होगा। आपको अभी ये चीज का ज्ञान है, आप हमारे मुंह लग लगा दिए, हमारा आवाज बढ़ गया। अगर ज्ञान नहीं हो तो इसमें आवाज है लेकिन हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे रेडियो, एक तीर का अंतर है, एक जगह से अमेरिका लग जाएगा, एक जगह से रूस लग जाएगा, एक जगह से बिहार लग जाएगा, तो वो जो अंतर है उसको जो पढ़ा है, जो देखा है, जो उस पर अमल किया है उसी के लिए है। तो वैसे अब अमल का बात नहीं है, अब मन अब तो पढ़ाई लिखाई का उतना समय नहीं रहा, संस्कार नहीं रहा,
लेकिन यहाँ मैंने देखा कुछ, तो मैंने शोध किए, शमशान गया, वहाँ कपाल के साथ नरमुंड के साथ लोग साधना कर रहे हैं, शांत है, बिना किसी उच्चारण के और आहुति दी जा रही है, और तरह तरह की कुछ नेगेटिव पावर्स फील भी हुई कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी कुछ हैं। ये लोग कौन से साधक हैं और क्या करते हैं ये और क्यों करते हैं? ये दो तरह का साधना है। एक साधना है कि अपने रास्ता से आप शुद्ध होकर के जाइए, एक है कि संसार को चलाते हुए आप जा रहे हैं। अभी कोई आ गया, मिठाई खाएगा, बोलो आप मिठाई दे दिए, उसके लिए बड़ा आश्चर्य बात है, लेकिन ये इसको तुच्छ माना गया है। कहे कि ये प्रेत का काम है, कलेक्टर से आपकी दोस्ती होगी तो आप पान मंगा करके नहीं खा सकते,